रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में, जिसके पिछले लेक्चर्स में हमने कम्युनिटी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, करैक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स, इसी तरह प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्पीशीज़ इंट्रैक्शन इन अ कम्युनिटी, कि जब एक कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर रहती हैं, उसे हम एक बायोडाइवर्सिटी का नाम भी देते हैं। तो अब इस बायोडाइवर्सिटी में, इस कम्युनिटी में, एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ के आपस में कुछ इंटरेक्शंस हैं। ये इंटरेक्शंस एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं, कमेंसल भी हो सकते हैं, म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं। जनरली तीन तरह का रिलेशनशिप है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि एंटागोनिस्टिक हो सकता है, एक दूसरे के मुखालिफ हो सकता है, जिसमें एक दूसरे को मार देता है, या फिर उनमें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेते हों, या फिर उनमें ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें एक का तो फ़ायदा होता हो लेकिन दूसरे का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। तो जनरली फोर मेजर टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ इंटरेक्शंस हैं। एंटागोनिज्म है, एंटागोनिज्म को मज़ीद थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, ग्रेजिंग, इसी तरह कंपटीशन है, म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है। तो एंटागोनिज्म क्या है? बेसिकली मुखालिफ रिलेशनशिप है, प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप है, जिसमें एक शिकार है और एक शिकारी है, एक जानवर दूसरे को मारता है और खा जाता है, जिस तरह हर उसमें ग्रासेस को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स अटैक एनिमल्स, हर्बीवोर्स अटैक प्लांट्स, इसी तरह फंगीवोर्स जो है वो अटैक फंजाई। फिर इसी तरह इसी सिलसिले में जो है वो फूड चेन चलती है, फूड वेब बनती है। तो ये एक एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, इसमें आगे प्रीडेशन आ जाता है, इसमें एक दूसरे का शिकार किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रीडेशन में हर्बीवोर्स हैं, फ्रक्टिवोर्स हैं, फ्रूट्स को खाने वाले, इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट्स को खाने वाले, कार्निवोर्स, मीट खाने वाले हैं। पैरासाइटिज्म भी एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है कि जिसमें एक पैरासाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इंसान की बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड, किसी इंसान या कोई होस्ट और भी हो सकता है इंसान के अलावा, या कोई प्लांट भी होस्ट हो सकता है, उसके इनसाइड या आउटसाइड स्टे करता है और बदले में उस होस्ट को जो है मैं हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। थर्ड इसकी जो टाइप है उसमें ग्रेजिंग आ जाता है। ग्रेजिंग जनरली चरागाह को कहते हैं। चरागाह बेसिकली एक नेचुरल लैंड है, नेचुरल ग्रीनरी है, कि ऐसी ग्रासेस या ऐसी ग्रीनरी जिसको कोई कल्टीवेट नहीं किया जाता, जिसकी देखभाल नहीं की जाती है, जो नेचुरली ग्रो कर जाती है और वो जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होती है। सेकंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन है कंपटीशन। दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन हो सकता है। ये कंपटीशन खुराक के लिए भी हो सकता है, ये हैबिटेट के लिए भी, रहन सहन के लिए भी हो सकता है, और इसमें जो फिर फिटेस्ट है वो सर्वाइव कर जाता है, वो डोमिनेट कर जाता है, और जो फिट उससे जो है वो कमतर या कमज़ोर होता है वो सोसाइटी में डोमिनेट नहीं कर पाता और वो ख़त्म हो जाता है। म्यूचुअलिज्म कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन टू स्पीशीज़ इन विच बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट, जिसमें दोनों स्पीशीज़ जो हैं वो फ़ायदा हासिल करती हैं, दोनों स्पीशीज़ मिलकर रहती हैं और एक दूसरे से फ़ायदा लेती हैं। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़। इसी तरह जो फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप है कमेंसलिज्म है, कि जिसमें दो स्पीशीज़ मिलकर रहती हैं, एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इस तरह का जो है वो इंटरेक्शन वो कमेंसलिज्म कहलाता है। जनरली इमेज में दिखाया भी गया है कि अक्सर बड़ी मछलियों के साथ जो है वो छोटी मछलियाँ चिपक कर चली जाती हैं। रेमोरास ईट लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द शार्क
कि ये रेमोराज छोटी मछलियाँ हैं, वो शार्क के साथ अटैच होकर चली जाती हैं फूड खुराक की तलाश में। तो जहाँ जहाँ खुराक मिलती है, जो खुराक बची होती है शार्क से, वो फिर इनके काम आ जाती है। तो ये थे कुछ बेसिक स्पीशी इंटरेक्शंस, जिसमें फर्स्ट जो एंटागोनिज्म था उसकी मज़ीद तीन टाइप्स थी, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, ग्रेजिंग, सेकंड कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।